प्रसंग पत्र मिला है, क्योंकि सर मुझे बाबा साहेब ने ऐसे अधिकार दिए थे जिसके लिए मैं आज तक मतलब इस पोस्ट पर पहुंच पाई हूं। पोस्ट पर सर वो सॉरी 12th क्लास में थी। अच्छा। तो मुझे मैंने यूपी बोर्ड से 81% से 81% से मैं क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? सर मैंने पीसीएम से किया था। पीसीएम से? वेरी गुड। आगे क्या करना चाहती हो? सर अब मैं बीएससी सेकंड ईयर पढ़ रही हूं और मैं इसी कॉलेज से पढ़ रही हूं, तो मैं आगे फिजिक्स से ही पीएचडी करना चाहती हूं और मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूं। पीएचडी करना चाहती हो, प्रोफेसर बनना चाहती हो, मम्मी पापा क्या करते हैं? देखिए सर मेरे मम्मी पापा, वैसे तो मेरे पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं, मेरे पापा ने एमए बीएड किया हुआ है और मेरी मम्मी बीए किया हुआ है, लेकिन किसी वजह से किसी हालत की वजह से मेरे पेरेंट्स की नौकरी नहीं लग पाई है। मेरे पेरेंट्स ये यहीं पास में खड़े हैं, ये मजदूरी सिलाई का काम करके जैसे तैसे करके और हम तीनों भाई बहन को आज यहाँ तक ले पाए हैं। और घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो बच्चे के लिए उसके नहीं, मम्मी को कुछ काम था तो मम्मी नहीं आ पाई, तो मम्मी पापा को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरी आज पुत्री को ऐसे पूरे समाज जो सम्मान कर रहा है, मम्मी को आना चाहिए था। आपके लिए मम्मी पढ़ी लिखी है? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मम्मी मेरी हर चीज में सपोर्ट करती है और जो मैं यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ वो मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करती है। मम्मी कभी कभार ये कहती है बेटा तू पढ़ मत, थोड़ी सी चाय बना ले, झाड़ू पोछा कर ले, करवाते हैं कभी? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं बैठ के पढ़ रही हूँ ना, अगर मुझे खुद को भी पानी पीना हो तो मम्मी तो मम्मी मेरे पापा तक भी मुझे पानी ला के दे देते हैं, पापा भी मुझे पानी ला के दे देते हैं और मेरे पापा ही यहीं पर खड़े हैं। और मेरी मम्मी कभी ये नहीं कहती कि तू झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले या फिर बर्तन साफ कर ले, वो सिर्फ ये कहती है मैं ये चाहती हूँ, मेरा तो पढ़ लिख कर मैं कुछ आगे नहीं बन पाई, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं कल को मेरे बच्चे कुछ इस लेवल पर ऐसी पोस्ट पर पहुँच जाएं ताकि बस उनके साथ साथ हमारा नाम भी रोशन हो जाए। जिस दिन मेरे बच्चे सफल हो गए ये समझ लो हमारा पूरा जीवन सफल हो गया, ये कहना है मेरे पेरेंट्स का। तो आप उनके जो एक अरमान है मम्मी पापा के, जो एक उनसे अभिलाषा करे बैठे हैं कि मेरी पुत्री इस तरीके से करेगी, तो आप कितनी खरी उतरोगी? सर अभी तक तो मेरी यही कोशिश है कि मैं कभी कुछ ऐसा ना कर पाऊँ जैसे कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे कराना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश 100% देना चाहूँगी कि मैं भी आगे भविष्य में कुछ बन पाऊँ। और सबसे ज़्यादा ये है कि मैं अपने आगे पढ़ लिख कर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। समाज के लिए भी करेंगी? तो बेटा अगर समाज के लिए करेंगी, पापा के लिए करेंगी, तो एसएम न्यूज़ का आपके साथ आशीर्वाद रहेगा, हमेशा आशीर्वाद रहेगा। जब कभी परेशानी में आए तो ये एसएम न्यूज़ के जो मनोज पिप्पल जी, इनको आप जरूर याद करेंगी, इनके पापा हैं। बड़ा अपने मम्मी पापा को बुलाओ। सर आपका नाम? मेरा चतर सिंह सिद्धार्थ। चतर सिंह सिद्धार्थ जी। चतर सिंह जी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे बिटिया ने बताया है, तो आप भूखे रह के भी इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका जीवन कैसे चल रहा है? सर मैं हैंडवर्क आदमी हूँ, टेलरिंग काम करता हूँ और अपनी जवान पर लगकर मैंने एक कसम खाई है कि चाहे एक वक्त भूखा रहूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर लेकिन बच्चों को सफल करो, बहुत अच्छी बात। जब पेरेंट्स इस तरीके के होते हैं तो उनकी आंखों के अंदर एक खुशी के आंसू झलक जाते हैं, और उन बच्चों को भी चाहिए कि जो एक माँ बाप इस तरीके से मेहनत करते हैं और दुखी रहकर, बच्चा कहा जाता है कि जब किताब मांगते हैं कहीं से भी पैसा इकट्ठा करें, उनको किताब दिलाई जाती है, पेन दिलाया जाता है, तो उन बच्चों का भी कर्तव्य बनता है। जिस समय बच्चे कपड़े मांगते हैं, माँ बाप अपने फटे हुए कपड़ों में ही गुजारा करते हैं। तो आइए और जानकारी लेते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बेटा यार तूने गड़बड़ कर आया, तो ऐसे नहीं ना, ध्यान रहता, कहाँ चल रहा कैमरा? क्या नाम है बेटा? विशाल सिद्धार्थ। विशाल सिद्धार्थ, तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th क्लास पास किया। कितने नंबर आए? अभी रिजल्ट कल मिलेगा। नहीं मिला तो ये जो आपको सीट मिली है 10th की मिली है, 10th के अंदर कितने नंबर आए? 76% तो क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास? पीसीएम। तो आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं दिल्ली पुलिस में जाना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस में पीसीएम करने के बाद दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो? आपको किसने प्रेरणा दी? ये बस अपनी सोच है। अपनी सोच है, तो दिल्ली पुलिस के अंदर क्या आप पुलिस बनना चाहते हो या अधिकारी बनना चाहते हो? अधिकारी। अधिकारी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो लगन से पढ़ते हो, मेहनत से पढ़ते हो या मुंह पे किताब रख के सो जाते हो? लगन से पढ़ते हैं जी। लगन से पढ़ते हो। अभी आपके वो पापा कह रहे थे कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जो एक लगन है किताब पढ़नी चाहिए।